हाय दोस्तों, टॉप 10 टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अपना यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर सर्च करते हैं और आपका चैनल सर्च करते ही आपका चैनल सर्च बार में नहीं आता है और आपका ऐसा ही समस्या होता है? मैं भी एक यूट्यूब चैनल पहले से ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और मैं भी सर्च करता हूँ और यूट्यूब पर, तो मेरा चैनल सर्च बार में नहीं आता है। तो मैं आपको इसे लाइव प्रूफ में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सर्च करने से कैसे चैनल आता है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेगा, तब आपका इस वीडियो को समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर तरह से टेक्निकल और यूट्यूब से सभी इन्फॉर्मेशन और सभी जानकारी मैं देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो YouTube में सर्च बार लाने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आपका YouTube सर्च में कैसे आएगा? आपको तो सबसे पहले अपना फ़ोन में Google Chrome को ओपन कर देना है। तो चलिए मैं Google Chrome को ओपन कर देता हूँ। तो फिर आपको जैसे Google Chrome को ओपन करिएगा तो आपको यहाँ सर्च बार में क्या लिखना है, आपको सर्च में लिखना है YouTube.com, आपको यहाँ लिख लेना है। न तो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ लोगो YouTube, अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ से YouTube सर्च कर लेना है। तो चलिए मेरा यहाँ YouTube दिखाई दे रहा है तो मैं YouTube वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ सर्च बार में नहीं दिखाई देगा तो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। तो जैसे आप गूगल क्रोम में YouTube.com सर्च करिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए। फिर आपको यहाँ देख लीजिए राइट साइड में तीन को डॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको तीनों डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करिएगा तो आपको नीचे आ जाना और देखिए डेस्कटॉप साइड आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए इसे क्लिक कर दे हूँ। तो जैसे क्लिक करिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए। आप जिस नाम से आप चैनल बनाए होंगे और जिस नाम से आप लोगो बनाए होंगे, आपको राइट साइड में कोने में आपका लोगो शो करेगा, लोगो दिखाई देगा। तो मेरा हिट भोजपुरिया सॉन्ग चैनल है तो मेरा यहाँ देखिए लोगो शो कर रहा है, तो यानी लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी वहाँ से क्लिक कर देना है लोगो वाले ऑप्शन पर। चलिए इसे क्लिक कर दे हूँ। फिर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए योर चैनल आपको फर्स्ट वन में दिखाई देगा, आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक कर दिया हूँ। फिर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको देखिए आपका चैनल यहाँ ओपन हो जाता है, आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है, आपका चैनल यानी दिखाई देने लगता है। तो चलिए मैं आपको इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं बड़ा करता हूँ तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज चैनल, फिर आपको मैनेज वीडियो, तो आपको फर्स्ट वाले कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए। फिर आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको जैसे नीचे आएगा तो आपको देखिए सेटिंग वाले ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग वाले ऑप्शन दे रहा होगा, फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए। फर्स्ट में दिखाई दे रहा है जनरल और दूसरा में दिखाई दे रहा है चैनल, यानी आपको देखिए मैं थोड़ा सा जूम और बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए फिर आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है चैनल, चैनल वाले ऑप्शन पे यानी क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देना। तो जैसे क्लिक करिएगा तो अपने आपको राइट साइड में आ जाना है। फिर आपको जैसे राइट साइड में आएगा तो दूसरा नाम पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको थोड़ा सा बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा होगा, कीबोर्ड लिखल होगा, आपको यहाँ से यानी यही बॉक्स के कमाल से आपका चैनल यूट्यूब में सर्च बार में आता है और इसी के कारण, इसी बॉक्स के कारण और इसी कीबोर्ड के कारण आपका चैनल ग्रो होता है और आपका चैनल में अच्छा खासा व्यूअर आता है। तो इस बॉक्स को आपको बहुत ज़रूरी होता है भरने के लिए। आपको इस बॉक्स में क्या भरना है, तो आपको जिस नाम से अपना चैनल बनाए होंगे उसी नाम से आपको इस बॉक्स में भरना है। चलिए मैं आपको पूरी बॉक्स को भर के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको भी यहाँ पूरा बॉक्स को भर के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं कीबोर्ड में अपना चैनल का नाम ऐड कर दिया हूँ। आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं लिख दिया हूँ हिट भोजपुरिया सॉन्ग, भोजपुरिया सॉन्ग चैनल, देखिए सॉन्ग चैनल आपको हिट भोजपुरिया सॉन्ग, आपको स्मॉल लिखना है, कभी कभी कैपिटल लिखना है, फिर आपको पूरा स्मॉल लिखना है, फिर आपको पूरा कैपिटल लिखना है, फिर आपको
आगे आपको फिर लिखना है, फिर आपको फिर मतलब भोजपुरिया सॉन्ग चैनल है, आपको वही हिसाब से लिखना है कि कैसा कैसा लोग कैसे कैसे सर्च करके चैनल लाते हैं यूट्यूब पे, आपको वही हिसाब से अपना चैनल लिख लेना है। और जैसे लिखेगा फिर आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो फिर आपको गूगल क्रोम से बैक आ जाना है, फिर आपको वहां से यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब में आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूं, सर्च करके आपको मैं दिखाता हूं कि मेरा चैनल सर्च करने पे आता है कि नहीं आता है। तो चलिए गूगल क्रोम वाले ऐप को आपको मैं बंद कर देता हूँ यानी क्लोज कर देता हूँ। अब आप मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ मेरा चैनल सर्च बार में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए मैं YouTube खोल दिया हूँ और आपको दिखाता हूँ सर्च करके कि मेरा सर्च बार में चैनल आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ और आप भी अपने यहाँ से सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिए कि आपका चैनल आता है कि नहीं आता। तो चलिए इसे टाइप कर देता हूँ, हाली हाली सर्च कर देता हूँ, आपको भी सर्च कर लेना है। तो देखिए मैं लिख दिया हूँ हिट भोजपुरिया सॉन्ग चैनल, अब इसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ कि मेरा चैनल आता है कि नहीं आता है सर्च बार में। तो चलिए सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसे सर्च किया तो देखिए मेरा फर्स्ट वन में मेरा चैनल आ गया है भोजपुरिया सॉन्ग, मेरा चैनल हिट भोजपुरिया सॉन्ग चैनल आ गया है। मैं आप चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं जैसे ही चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक किए तो देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया, आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको पूरा डिटेल से मैं बता दिया हूँ कि सर्च बार में चैनल को कैसे ला सकते हैं, आपको पूरा लाइव प्रूफ मैं दिखाया हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर तरह से इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल इस चैनल पर वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।